आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट ओरियो मिल्कशेक। सबसे पहले हम एक मिक्सी लेंगे। हमने यहाँ पे नॉर्मल मिक्स लिया, आप हैंड ब्लेंडर में भी यूज बना सकते हो। अभी हमने एक मिक्सी ली है, अभी हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। पहले हम डाल देंगे जो आइस के क्यूब्स है वो, उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमारा दूध है वो, जो ओरियो के बिस्किट्स हैं इसको हम एक दो पीसेस में क्रम्बल करके इसमें डाल देंगे। हमने लगभग 7 पीसेस ओरियो बिस्किट ली है, आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी ये जो मिक्सचर है इसको हम थोड़ा सा पहले ब्लेंड कर लेंगे। कैसे ब्लेंड हो गया है, ये थोड़ा सा फ्रॉथी हो जाएगा। और इसके बाद हमको इसमें थोड़ा सा, जब ये क्रम्बल हो जाए उसके बाद हम जो आइसिंग शुगर है पाउडर शुगर वो हम इसमें डाल देंगे। हमें कम ही लेनी है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें स्वीट चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। फिर हम इसमें जो वनीला आइसक्रीम है वो डाल देंगे। आप चॉकलेट आइसक्रीम भी यूज कर सकते हो। और थोड़ा सा हमें चॉकलेट सिरप ऐड करना है, अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली चॉकलेट आइसक्रीम यूज कर सकते हैं। इसको हम वापस से ब्लेंड करेंगे। ये मिक्सचर कैसे स्मूदी और फ्रॉथी बन गया है, तो इसका मतलब ये है ये हमारा रेडी है। हम अभी इसको सर्व कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको और थोड़ा भी चला सकते हैं। हमने ये ग्लास लिया है, अभी हम इसमें थोड़ा सा और चॉकलेट सिरप जो है साइड से पोर करेंगे कुछ इस तरह से, ताकि ये अच्छे से, फिर हम इसको इस तरह से डाल के इसको हम फ्रीजर में रख देंगे सेट होने के लिए। देखो ये हमारा जो अभी हम जिसमें सर्व करने वाले वो जार रेडी है। हमने थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल के इसको फ्रीज किया था ताकि इसका लुक अच्छा आए। ओरियो मिल्कशेक उसे हम अभी इसमें सर्व कर लेंगे। देखिए कितना मस्त और फ्रॉथी बन गया है। अभी हम इसमें हमारा जो व्हिप्ड क्रीम है वो हम ऐड करेंगे। व्हिप्ड क्रीम ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं भी ऐड कर सकते हैं। हमारे पास है इसलिए हम इसको डाल रहे हैं। व्हिप्ड क्रीम ऊपर से डालेंगे, ये देखिए ये व्हिप्ड क्रीम जो है ऊपर से डालेंगे, जिससे थोड़ा सा अच्छा शो आता है और सर्विंग में भी ये अच्छा दिखता है। आप आपके नीड के हिसाब से डाल सकते हैं, आपको अगर नहीं भी डालना है तो भी इट्स फाइन। ओरियो के क्रम्बल्स डालेंगे, ये ऑप्शन है गार्निशिंग के लिए, टॉप करने के लिए चॉकलेट सिरप। तो ये देखिए हमारा जो ओरियो मिल्कशेक है वो बिल्कुल रेडी टू सर्व है। कितना यमी लग रहा है, इसको ज़रूर आप घर पे ट्राई कीजिए। इसके लिए हमको लगेगा शुगर सिरप, फ्यू क्यूब्स ऑफ आइस, एक कप वनीला आइसक्रीम, एक कप फुल फैट मिल्क, और ये हमने ली है पाउडर शुगर, लगभग हमने 1.5 टेबलस्पून ली है, और थोड़ा सा ऊपर से गार्निशिंग के लिए व्हिपिंग क्रीम, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए